अस्सलाम वालेकुम भाई। फाइनली ये हमारे लोग का काम ख़त्म हो चुका है, जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये जो माशाल्लाह का बोर्ड जो है, हमारे दोस्त वसीम भाई शेख किंग रेडियम पाटन, उन्होंने नईम भाई को गिफ्ट किया है इनके लॉफ्ट के लिए। और ये आप देख सकते हैं हमारे लॉफ्ट की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और आप देखें भाई कैसा है ये सेटअप हमारा, आप देख के बताना कि बहुत दिनों से इसका काम चालू था। हमारे आरिफ भाई, भीखा भाई, सचिन भाई, बहुत तीनों दोस्तों ने बहुत मेहनत की है। रात को 11-12 बजे तक भी काम चलता था, क्योंकि दिन में तो सब अपने अपने काम पे रहते थे, और बाकी का जो भी खाना पीना करे बाद जो 2-3 कलाक नईम भाई के लॉक को देते थे, और उनकी बदौलत उनकी उससे इनका ये लॉक का काम हो चुका है। जो आप देख सकते हैं हमारे लॉक की पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और भाई ये जो बोर्ड लगाया है, ये जो ये मेरी जो चैनल है गुजरात पिजियन मास्टर, उसके लिए लगाया है, ताकि आप लोग को पता चले कि नईम भाई की यूट्यूब पर चैनल चल रही है गुजरात पिजियन मास्टर नईम शेख, मेरा खुद का नाम है और मैं पाटन से बिलोंग करता हूँ। और भाई ये हमारे एक दोस्त धर्मेश भाई ने बनाया था, काफ़ी अच्छा बनाया है, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसा बोर्ड बना के दिया है हमारे को। और ये हमारे लॉक का आपको दिखा दें कि हमने यहाँ पे एक पर्दा भी रखा लगा दिया है, जो आप देख सकते हैं कि ये पर्दा इस तरीके से आ जाएगा, जो कबूतर को धूप वगैरह लगे नहीं, और बारिश के वक्त में यहाँ पे कुछ दूसरा इंतजाम भी किया जाएगा। लेकिन ये इस तरीके का हमने एक आयोजन, ये भी हमारे एक अच्छा था, तो मिट्टी ये भी हो चुका है। अब आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, जो आप देख सकें। ये देखें भाई, ये हमारे लॉफ्ट का नज़ारा है। ये जो काफ़ी मेहनत करके ने भीखा भाई, आरिफ भाई और सचिन भाई ने मेरे को बहुत वक्त दिया है इनका, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत आज रंग ला चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 30 खाने बन चुके हैं, और ये सब बॉक्स जो है ये फोल्डिंग बनाए हैं, ये इस तरीके से इस पर कारपेट बिछाया हुआ है कि ताकि कबूतर की जो बीट है वो उसको साफ किए की जा सके। इस तरीके से रखा पूरा कारपेट, हर खाने में हर बॉक्स में कारपेट बिछाया हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से टोटल 30 खाने हैं, 12, 12 और 6 यानी 30। और एक और है जो हमारे भीखा भाई ने एक्स्ट्रा जगह में 2 बॉक्स एक्स्ट्रा बनाए हैं, ठीक है भाई। एक ये छोटा दरवाजा है, अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको कि ताकि मैं या आरिफ भाई अगर नहीं होते हैं घर पे, तो कोई भी यहाँ पे बंदा आके ना दाना पानी यहाँ से ही आके ना डाल सकता है। ये दरवाजे खोलने की जरूर नहीं है, ये इस तरीके से बंद रहेंगे, ठीक है भाई। और ये दरवाजे से आने वाला बंदा यहाँ पे कबूतर को दाना पानी कर सकता है। और आप देखें यहाँ पे, और ये हमारे लोग पे बहुत ही मेहनत की है, लाइट फिटिंग सब कंप्लीट किया है। देखें भाई इस तरीके का हमारा लॉक तैयार हो चुका है। एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको, एक यहाँ पे छोटी सी हमने बारी रखी है, देखें आप ये बारी है, यहाँ से अगर मान लो कि कोई कबूतर उड़ाना है तो वो कबूतर को हम यहाँ से छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे को दूसरे कबूतर बाहर नहीं निकल जाए, उससे तकलीफ नहीं रहे। ये इस तरीके का एक हमने बारी लगाई है। और ये कहना चाहता हूँ भाई कि जो भी कबूतर बाज हैं वो अपने दोस्तों का, अपने यार दोस्तों को सपोर्ट करें इस तरीके से, जैसे मेरे दोस्त कर रहे हैं, आरिफ भाई हैं, भीखा भाई, सचिन भाई, दूसरे भी दोस्त हैं,
अहमदाबाद वाले दोस्तों ने भी फ़ोन करके मेरे को मेरे से पूछा भाई कहाँ तक काम चालू है, कहाँ तक पहुँचा है, अभी क्या काम कर रहे हो। तो भाई यानी सब दोस्त लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे सूरत वाले दोस्त भी हैं, कबूतर वाले बहुत से दोस्त हैं के जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। और आज के दिन में आज मेरे अम्मी के हाथों से 17 दिसंबर है आज, यानी मेरा बर्थडे भी है। और आज के दिन में मेरे अम्मी के हाथों से जो मेरा सपना था, क्योंकि पापा है नहीं, ये कबूतर का जो शौक है भाई वो मेरे पापा का दादा का शौक चलता आ रहा है। और मेरे पास ये उनकी नस्लें, दादा वाली जो जूनी नस्लें हैं उसमें से तकरीबन एक नस्ल अभी तक भी चलती आ रही है, जो मेरे गुजरात पिजन मास्टर बोर्ड पे जो कबूतर का पोज है वो बहुत जूनी नस्ल चलती आ रही है, और वही नस्ल अभी मैंने बरकरार रखी है। और ये जो पोस्टर पे लगा हुआ है, ये कबूतर के माँ बाप मर चुके थे, इतना छोटा बच्चा था, मैंने अपने मुँह से खिला कर उसे बड़ा किया था, और अभी उसके पट्ठों के पट्ठे भी हैं मेरे पास माशाल्लाह। अब वो नस्ल बढ़ानी है मेरे को। और भाई ऐसे ही अपने दोस्तों का सपोर्ट करते रहें, कबूतरबाजी का शौक करते रहें, एक दूसरे को ऊंचा नीचा गिराने से कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। सब प्यार मोहब्बत का ये शौक है, सब शांति से शौक करा करें।